गुड मॉर्निंग। 6 जुलाई का समय है, 2018 टाइमिंग चल रही है। आज का करंट अफेयर है 6 जुलाई और 5 जुलाई का मिक्स करंट अफेयर, यानी कल क्या हुआ और आज क्या क्या होने वाला है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हवा पानी जमीन पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए उन्हें इंसानों की तरह कानूनी दर्जा देने हेतु नागरिकों को उनका स्थानीय अभिभावक घोषित किया। हाईकोर्ट द्वारा जानवरों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियों में मशीन इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए अन्य वाहनों से पहले रास्ता पाने का अधिकार है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए, तो बस इतना ही याद रखना कि कौन से ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने ये दिया है। आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद है केंद्रीय कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने 4 जुलाई 2018 को कोयला चोरी को रोकने के लिए कौन सा सैटेलाइट ऐप जारी किया, तो खान पहरी ये लॉन्च किया है। इसका मॉनिटरिंग करने का अधिकार जिला प्रशासन को दिया गया है। कोयला खान निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली कोयला खान के उद्देश्य को, अगर अपन गैर कानूनी ढंग से इसकी जो माइनिंग हो रही है उस पर रिपोर्ट करेगा और ये डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। सो दूरवर्ती क्षेत्र जहां पर हमने दिन बाद सैटेलाइट के माध्यम से ये नजर रखी जाएगी इस पर। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, एल नरसिम्हा रेड्डी को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 4 जुलाई 2018 को ये अपना पद ग्रहण करेंगे। नरसिंहम समिति जो रेडी की है, ये इससे पहले वन रैंक वन पेंशन से भी संबंधित रही है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो दिल्ली में है, विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त पीठे हैं। वर्तमान में 17 नियमित बेंच और 4 सर्किट बेंच होंगे। कैट में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होंगे, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो अगेन यहाँ कैट में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य मिलकर ये बना रहेगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो टाइमिंग रहेगी 65 वर्ष और सदस्यों के लिए 62 वर्ष या 5 वर्ष ये कंप्लीट कर चुके हों। अर्जित बसु SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर को नियुक्त किया गया है। 4 जुलाई 2018 को सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य, अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है ये समय, यानी सरकार के द्वारा ऐसी राशि को निर्धारित कर दिया जाता है जिसे के नीचे कोई व्यापारी उससे किसान से वो आय नहीं खरीद सकता। जैसे 2018 में जो अपना चावल है उस पर 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया, उड़द पर भी अपना 2200 प्रति क्विंटल आपको MSP तय किया गया, 5600 में अब ये बेचेगा। इस बार 14 खरीफ फसलों को इसमें सम्मिलित किया गया है। मक्के का समर्थन मूल्य 1700 है, जबकि मूंग का समर्थन मूल्य 6975 है। उड़द का समर्थन मूल्य 5600 है, जबकि बाजरे का 1950 है। यानी सरकार ने पूरी तरह किसानों को ध्यान में रखा है। ये अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के ने गेंद के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ और स्लेजिंग की घटनाओं को बढ़ते हुए इस पर कड़े नियम कानून बना दिए। इसमें भारतीय अनिल कुंबले की अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया है और इस समय ICC के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं डेविड रिचर्डसन, वो भी इसमें मौजूद थे। भारत निर्वाचन आयोग ने 3 जुलाई 2018 को चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए नागरिकों के लिए सी विजिल ऐप लॉन्च किया है। अब ये भी पूछ सकता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो OP रावत जी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं।
आगे बढ़ते हैं अपन। ऐप जो लॉन्च किया जाएगा ये सभी प्रकार के जीपीएस डिवाइस से कनेक्ट होगा, कैमरा से भी कनेक्ट किया जा सकता है, और इसमें अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो इस जो अब एक जैसे बोर्ड डालूंगा तो 2 मिनट की अवधि की वीडियो रिकॉर्ड भी इसके द्वारा हम कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने 62 लाख बच्चों के लिए अन्नपूर्णा दुग्ध योजना का प्रारंभ किया। यह योजना 2 जुलाई को प्रारंभ की गई, मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है, राज्य सरकार द्वारा ये शुरू की गई है। अन्नपूर्णा दुग्ध योजना राजस्थान के 66,000 सरकारी स्कूल में लागू हुई। कक्षा 5 तक 3 बार 150 ml दूध दिया जाएगा, जब 6 से 8 तक 200 ml दूध दिए जाने का प्रावधान रखा हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में बच्चों को जो गुमशुदा बच्चे हैं उनको ढूंढने के लिए सरकार द्वारा एक नया एक्ट री यूनाइटेड जारी किया है। री यूनाइट, अब देखते हैं क्या होता है फसलों के लिए घोषित किए जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो घोषणा है कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है, इसकी स्थापना 1965 में की गई। आप देखते हैं ये है गाजी के जो मीनार है मिस्र में, इसको अमेरिका में स्थित एंशिएंट इजिप्ट रिसर्च एसोसिएशन के शोधकर्ता ने मिस्र में गीजा पिरामिड के नजदीक 4500 वर्ष पुराने 2 घर को खोजा। बांग्लादेश सबसे कम टेस्ट में रन बनाने वाला देश बन गया है और पूरी ही टीम 43 रन पर ही ऑल आउट हो गई, जिसमें 4 बल्लेबाज 0 पे आउट हो गए, 4 6 बल्लेबाज तो 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। इससे पहले उनका जो स्कोर था 62 था। फेडर के रुकने तक खेलती रहेंगी सेरेना। 23वां ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स ने इसे मजाकी अंदाज में कहा। फिर दिल्ली में एम्बुलेंस टैक्सी को गडकरी ने हरी झंडी दी। बैगन कैप स्टार्टअप टैक्सी एम्बुलेंस सर्विस दिल्ली एनसीआर में लॉन्च की गई। 200 टैक्सियां चलाई जाएंगी। वहीं ड्राइवर को उनके वेतन के अलावा हर पीड़ित की मदद करने के लिए अतिरिक्त 500 रुपए का नोट मिलेगा। तो ये अच्छे आ रहे हैं। जो अब नेक्स्ट मूवी आ रही है मनमोहन पर आधारित फिल्म में आडवाणी और लालू के किरदारों के लुक जारी कर दी। ये क्यों पूछ रहा हूँ कि ये द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इस मूवी का नाम है और ये काफी इम्पोर्टेंट है, मूवी का नाम पूछ सकता है। इसमें जो है अनुपम खेर जी मनमोहन सिंह का रोल फिल्मा रहे हैं, आडवाणी का अवतार सहनी, लालू का विमल वर्मा और शिवराज का रोल अनिल रस्तोगी कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम, 2016 में डोप टेस्ट में फेल हुए शॉर्टपुट एथलीट इंद्रजीत पर, अब इंद्रजीत के बारे में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा की अनुमानात्मक पैनल में ये सम्मिलित। अमेजन 5 जुलाई को स्थापित हुई थी। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है और ये अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए इसरो के क्रू एस्केप में सिस्टम का पहला टेस्ट सफल हुआ। क्रू एस्केप सिस्टम सीजन का पहला सफल परीक्षण किया। विशेषज्ञ के सिस्टम से लॉन्च होने वाली मौजूदा लागत 1/10 गुना कम हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं अपन आगे। मध्य प्रदेश की मंत्री ने कहा माया सिंह ने कि राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसके लिए सरकार ने राज्य सरकार बच्चों से दुष्कर्म के दोषी जो व्यक्ति पाया जाएगा उसे कानूनी सजा दी जाएगी। हम पहली पढ़ चुके हैं, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जीव जंतुओं को दिया इंसानीय दर्जा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में फंसेगा। बैंक ऑफ चाइना को भारत में परिचालन के लिए मिला लाइसेंस, इम्पोर्टेंट, किस देश की कंपनी बैंकिंग है इसको दिया गया तो ये पूछ सकता है। 5 जुलाई को दुनिया का 22 साल पहले पहला क्लोन जीव जन्म हुआ जिसका नाम था डॉली। डॉली एक भेड़ थी, इसका जन्म स्कॉटलैंड में किया गया।
भारतीय खेल प्राधिकरण का नाम परिवर्तित करके स्पोर्ट्स इंडिया कर दिया किया है, यह जाएगा, ऐसा जो केंद्रीय खेल मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर हैं, इनने कहा है। नेक्स्ट है अपना, सचिन तेंदुलकर को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया, इस साल इसमें जो शामिल हुए भारत से राहुल द्रविड़ को इसमें शामिल किया। टी20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं, भारत विश्व में सबसे तेजी से टी20 में शतक लगाने वाले थे, इनने अपनी 56वीं पारी में इस उपलब्धि को हासिल किया। अब आप ये जो वीडियोस हैं मेरे चैनल में जुड़कर ले सकते हैं, आप इसकी पीडीएफ फाइल के ग्रुप में